मुझे पिछले 20 सालों से सीएम कुर्सी का इंतजार है। मैं लगातार इलाके के लोगों की मांग को उठाता हुआ नजर आया हूं। मैंने वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थामा था ताकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का एक मौका मिले। ये बयान किसी विपक्षी नेता नहीं, किसी ऐसे जो सियासी आधार वाले नेता के नहीं जिनकी राजनीति में अभी से शुरुआत हो, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के जाने मांझे मंझे हुए राजनेता राव इंद्रजीत सिंह के। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों सीएम की कुर्सी को लेकर के लगातार अपनी ही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रही। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को ये सोच विचार करना चाहिए कि जो राजनेता पिछले लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है, जिसने प्रदेश में दो बार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी तो निर्धारित की जाए। यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी राव इंद्रजीत सिंह पाना चाहते हैं। करीब 50 साल लंबे राजनीतिक सियासी इतिहास में राव इंद्रजीत सिंह 9 बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जीते हैं। इसके साथ साथ केंद्र में पिछले 20 सालों से लगातार राज्य मंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा में पिछले दिनों जो सियासी समीकरण देखने को मिला, जिसमें नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद राव साहब लगातार खफा नजर आए। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना था कि जिन नेताओं ने लंबे वक्त से पार्टी को सरकार बनाने में सत्ता में लाने में काम किया है, पार्टी की एक मजबूत जो संगठन के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, वो नेता यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से इस तरीके के बयानबाजी कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आने वाले वक्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। 90 विधानसभा की सीटों में से अब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 46 सीटों पर जीत दर्ज करना यहाँ पर जरूरी है। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में तो ये कारनामा कर लिया था, लेकिन 10 साल बाद जब प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी गंवा चुकी है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि राजनीतिक चुनौतियां बड़ी है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल भी हरियाणा की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए आगामी वक्त की राजनीति को साधना नाको चने चबाने जैसा माहौल बन गया है। आखिरकार क्या वाकई में आगामी वक्त की राजनीति इतनी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए होती हुई नजर आ रही है, जिसके आधार पर सत्ता में वापसी करना यहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है? बशर्ते आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी का 4.5 साल तक गठबंधन रहा। 4.5 साल तक गठबंधन के दौरान दोनों पार्टी एक दूसरे के पुरजोर यहाँ पर सहयोग करती हुई नजर आई और हरियाणा में सरकार सरपट दौड़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई कि लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पर सीटों की मांग की बात करें, 2 सीटें जननायक जनता पार्टी के द्वारा मांगी गई, लेकिन बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। झटका देने का प्रयास किया गया, पार्टी को यहां पर बड़ा सियासी नुकसान भुगतना पड़ा और इसके साथ साथ गठबंधन भी टूट गया और जननायक जनता पार्टी सत्ता से रुखसत हो गई। ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला भी बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों का विरोध करेंगे, तमाम नीतियों के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी को यहाँ पर कमजोर जो पार्टी संगठन हो चुका है उसको मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, वो माहौल कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिकूल हो सकता है। प्रतिकूल इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के द्वारा जो तमाम नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन हर रोज किया जा रहा है, हर रोज बयानबाजी सामने आ रही है, उन बयानबाजियों के चलते आगामी वक्त की राजनीति को साधना नायब सिंह सैनी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। लिहाजा यहां पर बीजेपी संगठन जो है असमंजस की स्थिति में है। आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान ने फैसला किया है कि नए चेहरों को भी तवज्जो दी जाएगी, यानी कि नए वो ऐसे चेहरे जिन्होंने राजनीति में अभी तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। करीब 25 से 30 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों का ऐलान
भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। मोहन लाल बड़ोली को हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसे में दिग्गज नेताओं की नाराजगी के चलते क्या बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी, क्योंकि तमाम उन नेताओं को अब कोई आस और उम्मीद दिखाई नहीं देती है जिन्होंने पिछले लंबे वक्त तक राजनीति की, पार्टी संगठन को मजबूत किया और पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ वो तमाम फैसले लेते हुए नजर आए जिससे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। लेकिन देखा जाए दर्शकों तो यहाँ राजनीतिक समीकरण कांग्रेस पार्टी के लिए भी इतने आसान नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जिस तरीके से जो रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से जो कार्यशैली उनकी है वो वाकई में यहाँ से विपरीत नजर आती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आम लोगों से जुड़ करके यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टी संगठन के कई नेता जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, वो नेता यहाँ पर हुड्डा पर गुटबाजी करने के आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गुटबाजी का जो माहौल है ये कांग्रेस पार्टी का माहौल खराब कर सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भी देखा गया कि जिस वक्त चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उभरती नजर आई उसी वक्त गुटबाजी की खबरें देखने को मिली, और गुटबाजी की खबरें सामने आना इसका साफ सीधा मतलब ये है कि हरियाणा की राजनीति में यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कुमारी सैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, जिनके बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला है, ये 36 का आंकड़ा पार्टी को सत्ता से बेहद दूर रखता हुआ नजर आया है। ऐसे में आगामी वक्त में राह आसान किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं है। चौटाला परिवार पूरी तरीके से खंड खंड हो चुका है। हमने देखा कि जिस तरीके से 2019 से पहले जो चौटाला परिवार संयुक्त होता था एक मजबूती दिखाई देती थी, दो राजनीतिक दल बन चुके हैं। अभय चौटाला की पार्टी इनेलो के पास महज एक विधायक है और इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी का भी जो हश्र पिछले कुछ वक्त में हुआ है वो इतना आसान नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर बड़े सियासी फेरबदल हो सकते हैं, और इन बड़े सियासी फेरबदलों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि यहाँ पर सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आए तो रास्ता साफ हो जाएगा कि उन्हें और राजनीतिक दलों का सहयोग यहाँ से मिल सकता है, जो राजनीतिक दल जिनके सहयोग से बीजेपी सरकार बना सकती है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति में एक तरफ कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की जो टक्कर दिखाई दे रही है वो आमने सामने की टक्कर यहाँ पर एक तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय दिखाई दे रही है, और ऐसे में यदि विपक्षी दलों में जो तीसरा मोर्चा तैयार हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पेश कर रही है, उसमें यदि सेंधमारी कर पाई तो बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें तो खड़ी होंगी कि आखिरकार गठबंधन कौन करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं वो तो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, और इस वक्त देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का एक प्रमुख राजनीतिक विरोधी दल है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीतिक नजाकत को समझते हुए किस तरीके से भाजपा अपनी रणनीतियां बनाएगी, किस तरीके से अपने नेताओं को संतुष्ट करेगी, किस तरीके से हरियाणा में लोगों के बीच जाएगी, किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे बड़े मुद्दे अभी जो जमीनी हकीकत पर ज्वलंत है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ बीजेपी को नजर आएगा। पिछले 10 सालों से बीजेपी सरपट अपनी सरकार को चला रही है, लेकिन आगामी चंद दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार हरियाणा की सत्ता का ताज किसके सर पर सजने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।